हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कान का छेद हो गया है बड़ा तो घबराए नहीं, सिर्फ एक घरेलू उपाय से करें छोटा। अगर आपके भी कान का छेद बड़ा नहीं होने देना चाहती हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही अगर कान के छेद बड़े हो गए हैं तो घरेलू उपाय से कैसे ठीक कर सकते हैं? आजकल बड़े साइज वाले और लटकने वाले इयररिंग का बहुत ज़्यादा फैशन है। जिसको देखो वह बड़े से बड़े इयररिंग पहनना चाहता है, मैचिंग की इयररिंग पहनना चाहता है। शादी ब्याह का या किसी भी फंक्शन का नाम आते ही सबसे पहले ज्वेलरी में आप लोग इयररिंग ही तलाशते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बहुत बड़े इयररिंग पहनते हैं, हैवी होते हैं, तो उनसे हमारे कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कान के छेद बड़े हो जाते हैं और कई बार तो बिल्कुल कान कट भी जाते हैं। यदि आप भी अपने कानों के छेद को बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो कुछ आसान टिक आपको बता रहे हैं। अगर आपके बड़े झुमके पहन रही हैं तो कोई ना कोई सपोर्ट जरूर लें। कपड़े पहनते समय भारी या लंबे इयररिंग्स उतार दें। कभी भी ज़्यादा देर के लिए लटकने वाली इयररिंग ना पहने, इससे कान के छेद जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर आप एक बार अपने उस जगह की सर्जरी करवाएं तो कम से कम अगले 6 महीने तक दोबारा उस जगह पर पियर्सिंग ना करवाएं। अगर आपके कान के छेद बड़े हो गए हैं तो आप इस घरेलू नुस्खे से उनको पहले जैसा आकार दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप कानों के नीचे एक टेप लगा लें जिससे कि कुछ लगाने पर ना हटे। इसके बाद एक टूथपेस्ट लें। टूथपेस्ट आप कॉलगेट भी ले सकते हैं या और कोई भी सफ़ेद टूथपेस्ट ले सकते हैं। उसको चारों तरफ से कान के छेद में भर दें और उसके बाद सामने से भी कान पर टेप लगा लें। रात भर लगा रहने दें। दूसरे दिन इसे सुबह नॉर्मल पानी से धो लें। ऐसा आप कम से कम 15 से 20 दिन लगातार करें। रोज रात को लगाएं और सुबह नॉर्मल पानी से धोएं। आप देखेंगे कि आपके कान का छेद धीरे धीरे नॉर्मल आकार में आ जाएगा और आप फिर से अपने कानों में झुमके या जो भी चीज़ पहन सकती हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।